अब हेल्थ केयर सेक्टर में एआई के इस्तेमाल तेजी से बढ़े हैं और उसका फायदा भी हो रहा है, चाहे वो एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, तमाम तरीके, कई तरह की बीमारियों वगैरह में भी इस्तेमाल हो रहा है। प्रीति जी, आप हेल्थ एक्सपर्ट हैं, क्या लग रहा है कितना फायदा, कितना बड़ा फायदा है एआई के इस्तेमाल से हेल्थ सेक्टर के लिए ओवरऑल? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एआई का डेफिनेटली, एआई रोबोटिक्स का तो बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि कुछ चीजें हैं, जैसे काफी लोगों ने बताया, डेटा हमें मिलता है। अगर हमें तंदुरुस्त रहना है, हमें वेल रहना है, तो एआई के वजह से हमें काफी सारा इंफॉर्मेशन अपने हेल्थ के बारे में पता चलता है कि क्या खाना हम खा रहे हैं जो सही खा रहे हैं, क्या हम नींद जो कर रहे हैं वो सफिशियंट है, अगर वो क्वालिटी ऑफ नींद है वो किस तरह की नींद है, अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो हम ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हमारा वेट जो है, बीएमआई है, बीएमआर है, ये सारी चीजें हमें डेटा देता है। और डेटा से एक जो आम आदमी है वो अवेयर होता है। बदलाव तो तभी आ सकता है जब हमारे पास अंदर अवेयरनेस होगी। बट नाउ एआई कैन ओनली गिव यू, हमें डेटा तक पहुंचाता है, अवेयरनेस तक लेकर आता है, पर वो बदलाव नहीं करवा पाता। इसीलिए एक जगह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, बट उसके साथ हमें पेयर करना है ह्यूमन इंटेलिजेंस। जब एआई और ह्यूमन इंटेलिजेंस, दैट मींस वी विल नीड, लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट कि आगे किस तरह के जॉब्स आएंगे, मुझे लगता है कि खूब सारे ऐसे जॉब्स आएंगे जिसमें हमें एम्पथी, कंपैशन, हमारी लिसनिंग करने की एबिलिटी, किसी के साथ एक रिलेशनशिप, एक बॉन्ड, ट्रस्ट बनाना, ये सारे ह्यूमन रिलेशन से जुड़े हुए खूब सारे जॉब्स आएंगे। स्पेशली जिस इंडस्ट्री में मैं हूँ, हेल्थ एंड वेलनेस कोचेज और खूब सारे हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपर्ट्स, क्योंकि ये क्लाइंट के साथ जुड़ते हैं, उनकी प्रॉब्लम समझते हैं, उनकी उनसे एक रैपो बनाते हैं और उनको एक सुझाव देते हैं और उनको गोल सेटिंग करवाते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन तक लेकर जाते हैं। सो एआई इज रियली रियली गुड इन इंफॉर्मेशन। और हेल्थ केयर में ये बहुत जगह पे अर्ली डिटेक्शन में भी यूज किया जाता है। जब हमारे पास डेटा है तो हमें पता चल सकता है कि आगे क्या मुझे हार्ट अटैक हो सकता है, क्या मुझे कैंसर हो सकता है। कहीं बार मेमोग्राम में भी कहीं बार गलतियां होती हैं, अननेसेसरी बायोप्सीज होती हैं, बट एआई के वजह से ये अवॉइड किया जा सकता है और प्रिवेंटिव कोर्स में किसी को लेकर आया जा सकता है। एक बात रही अर्ली डिटेक्शन, दूसरी रही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। जब हमारे पास अगेन इतना सारा डेटा आ गया, कस्टमर का, मतलब क्लाइंट का, पेशेंट का, हमारे पास डेटा आज का नहीं है, हमारे पास डेटा सिर्फ कल का नहीं है, हमारे पास डेटा कहीं सालों का है, तो जब हम देखते हैं तो हम प्रिडिक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं उस पेशेंट के बारे में कि ये आगे क्या हो सकता है उनके साथ, और ये आज जो हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, क्या वो उनके लाइफस्टाइल के वजह से हो रहा है, क्या वो एक एनवायरमेंटल फैक्टर्स के वजह से हो रहा है, क्या वो उनकी जेनेटिक कॉम्पोजिशन है उसके वजह से हो रहा है। सो खूब सारी चीजें हमें पता चलती है। एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, एंड ऑफ लाइफ केयर। अब वी आर लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ यूथ, बट एनी वेज ये सारा यूथ ओल्ड होगा और हमारे पास काफी बड़ी एजिंग पॉपुलेशन है, और ये जो एजिंग पॉपुलेशन है, अब हमने लाइफ तो लंबी कर दी बट हमने क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाई नहीं। क्वालिटी ऑफ लाइफ तो डिटोरेट हो रही है, क्योंकि एज हम ओल्ड होते हैं तो हमें हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होती है, डिमेंशिया होता है। जब ये सब प्रॉब्लम आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक हमारे रिहैबिलिटेशन में काम आती है, हमारे चलने फिरने में इस्तेमाल की जा सकती है ना। और डिमेंशिया की जैसे में आजकल रोबोट्स हैं जो आपके साथ बात कर सकते हैं। सो एंड ऑफ, और इससे क्या हो सकता है, अननेसेसरी हॉस्पिटल इंटरवेंशंस और किसी को, किसी के ओल्ड एज होम में जाके रहना, ये सारी चीजें अवॉइड की जा सकती हैं। अब पहले होता था फार्मास्यूटिकल ड्रग्स को आने में 12 से 15, अब कहीं बार 20 साल लग जाते थे। सो एआई का यूज किया जा रहा है रिसर्च में, एआई का यूज किया जा रहा है ट्रेनिंग में, और ट्रेनिंग में स्पेशली हेल्थ केयर में एक स्टिमुलेटिव एनवायरमेंट किया जा सकता है, जिससे एक सर्जन, एक डॉक्टर, एक रियल केस सिनेरियो में अपना प्रैक्टिस परफेक्ट कर सकता है, अपना हाथ बढ़िया कर सकता है। इससे खूब सारी सुविधाएं हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आई ट्रूली बिलीव एआई एक तरफ है बट हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस भी चाहिए, कि जब दोनों साथ में जुड़ जाते हैं, जब ये दोनों साथ में जुड़ जाते हैं, तब ही हम किसी, स्पेशली हेल्थ केयर, जी क्योंकि जी ये बहुत ही ह्यूमन है, तो हमें जी दोनों का
जरूरी जरूरत बिल्कुल, है। जो कि क्योंकि कस्टमर सर्विस से लेकर वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंट, मेडिकल रिकॉर्ड मैनेजमेंट, मतलब तमाम चीज़ों में एआई का इस्तेमाल होगा, और अलग अलग एवेन्यूज भी जॉब के खुलेंगे। एक तरफ अगर नौकरियां कुछ कम होंगी तो कहीं ज़्यादा भी होंगी।